उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन वलसाड़ के लोग भी बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि वलसाड़ में भी हमने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन हमारे वलसाड़ शहर में ही हो जाता है। वलसाड़ के छिप्पड़ में स्थित ये जगन्नाथ मंदिर है। चलिए बात करते हैं अब उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। इस मंदिर का प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है कि इस मंदिर को चार धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। उड़ीसा की पुरी विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर और सबसे लंबे सुनहरे समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत के चार धामों में यानी पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम में से एक धाम, सबसे पवित्र स्थान में से एक माना जाता है। पुराणों की बात करें तो हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, इसलिए इन्हें पुरी के भगवान जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग बड़ा प्रिय है। इसके पीछे एक कथा बताई गई है कि आइए अब इस कथा को जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थी कर्माबाई। वो उन्हें अपने पुत्र की तरह कर्माबाई की काफ़ी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना नहीं भूलती थी। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को और बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्तियाँ विराजमान है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना दूत यात्रा से उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। आइए अब जानते हैं वलसाड़ में रथ यात्रा कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक ये रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। और ये रहा रूट मैप। इस प्रकार से 20 जून 2023 को रथ यात्रा का भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और इस रथ यात्रा को दोपहर लगभग 12 बजे के करीब यहाँ से स्थान किया जाएगा और ये भव्य समारोह की तरह आयोजन किया गया है। वलसाड़ के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी ये रथ यात्रा भव्य आयोजन। ये एक भव्य रथ यात्रा की तरह आयोजित किया गया है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष 20 जून 2023 को लगभग दोपहर 12 बजे के करीब ये रथ यात्रा भव्य आयोजन किया गया है। आइए अब आपको ले चलते सीधे पुरी, उड़ीसा के पुरी शहर में, जहां पर जगन्नाथ के एक विशाल परिसर है और जिसमें लगभग 4 लाख वर्ग फुट से क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें कम से कम 120 मंदिर और मंदिर और से भी अंदर मंदिर है। समुद्र, जटिल मूर्तियों और नक्काशी और ऊंची वास्तुकला इसे भारत के सबसे शानदार स्मारकों में से एक बनाती है। राज्य की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद में भी जगन्नाथ मंदिर स्थित है। मंदिर द्वारा संचालित नकलंग महादेव और रणछोड़ जी मंदिर, श्री जगन्नाथ जी मंदिर प्रारंभ में श्री हनुमान मंदिर के रूप में ही स्थापित किया गया था, लेकिन श्री सरंगदास जी महाराज ने जगन्नाथपुरी मंदिर से प्रेरित होकर इस पवित्र स्थान को श्री जगन्नाथ धाम के रूप में स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि ये भी मान्यता है कि आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के श्री कृष्ण का दिल सुरक्षित है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार जब हर साल 12 साल में मंदिर की मूर्ति बदली जाती है, तो ऐसे में इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के धाम के बारे में अगर बात करें तो पुरी के जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ माना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लीला भूमि है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने क्योंकि मानव रूप में जन्म लिया था इसलिए प्रकृति के नियम के अनुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया और इस दौरान एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कान्हा का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। मान्यताओं के अनुसार आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल सुरक्षित है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म प्रदात कहा जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार जब हर 12 साल के मंदिर की मूर्ति बदली जाती है तो ऐसे में इस ब्रह्म प्रदात को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान कई कड़े नियम अपनाए जाते हैं। जब नई मूर्तियां स्थापित होती है तो मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। साथ ही जो पुजारी ये कार्य करता है उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। कहते हैं कि इस रस्म को जिसने देख लिया उसकी मृत्यु हो जाती है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। सनातनियों यानी हिंदुओं की प्राचीन अपवित्र सात नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समुद्र बंदरगाहें थी जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते पर व्यापार होता था। पुराणों में से इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इश्वांकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम को भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है और जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और यही आकार गिरा था और तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नामी स्थल में भगवान जगन्नाथ
रत सिंहासन पर विराजमान है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो फिलहाल आज के इस एपिसोड में तो पूरी तरह से संपूर्ण करना मुमकिन नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पुजारी जी इस जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। 20 तारीख को वलसाड़ में जगन्नाथ देव की रथ यात्रा यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी यहाँ उपस्थित है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। एक महापर्व की तरह हर साल मनाया जाता है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। आइए जानते हैं कि इस साल किस प्रकार का आयोजन किया गया है, उनसे ही पूछते उन्हीं के शब्दों में। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। किस प्रकार का आयोजन किया जाएगा इस साल? जय जगन्नाथाय नमः। वलसाड़ की सर्वप्रिय धार्मिक जनता को जी हमारी ओर से आमंत्रण है, आह्वान है कि 20 तारीख मंगलवार श्री जगन्नाथ जी की नगर यात्रा, भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं रथ में बैठ के नगर की यात्रा करेंगे, भ्रमण करेंगे जी। इसलिए अधिक से अधिक तादाद में धार्मिक भक्त लोग भगवान की रथ यात्रा में शामिल हो। यहाँ इसी प्रकार का सब कार्यक्रम हर साल चलता रहता है, पर इस साल कुछ विशेष कार्यक्रम है। सभी के भक्तों का साथ सहयोग सहकार इसमें आवश्यक है। यदि हम भगवान का रथ खींचेंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन का रथ का रास्ता भगवान पार लगाएंगे। बिल्कुल, क्या इसी प्रकार केवट ने जब भगवान को नाव से उतारा था तो भगवान ने कहा कि कुछ आप अपनी मजूरी ले, तो भगवान केवट ने कहा कि आप हमको इस हमने आपको गंगा पार उतारा है, आप हमको भव सागर से पार उतारेंगे, यही हमारी मजबूरी है। इसीलिए हमारे सभी भक्तों से आह्वान है कि अधिक से अधिक तादाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 20 तारीख मंगलवार इसमें पधारे हमारी ओर से। जी, मैं तो प्रश्न ये आ रहा है कि पुरी में जो रथ यात्रा होती है और वलसाड़ ये जो मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो कितना वर्ष पुराना है, पुरातन ऐतिहासिक मंदिर लगता है, और पुरी में किस प्रकार के आयोजन होने जा रहे हैं? पुरी और वलसाड़ के साथ अगर हम बात दोनों के लिए बात करें तो आप उसमें क्या कहना चाहते हो? पुरी की जगन्नाथ यात्रा और वलसाड़ की जगन्नाथ यात्रा, किस प्रकार की जगन्नाथ यात्रा होने वाली है? ऐसा है कि जो पुरी की जगन्नाथ जी है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो कलयुग में जगन्नाथ जी एक धाम तीर्थ है जी, वहाँ स्वयं भगवान हाजिर हैं, इसलिए वहाँ की रथ यात्रा आषाढ़ शुद्ध बीज को निकलती है और एकादशी को भगवान निज मंदिर में पधारते हैं। क्या तो वहाँ 9 दिन की रथ यात्रा होती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे क्या आषाढ़ शुद्ध बीज को ही रथ यात्रा निकलती है, सुबह से शाम को भगवान वापस आ जाते हैं। क्या हमारे वर्षा में जो मंदिर है कितने वर्ष पुराना है, और ऐसा लगता है देखकर कि काफी साल बहुत पीढ़ियों ने इस मंदिर को देखा है, तो इस मंदिर के विषय में थोड़ा सा ऐतिहासिक बातों का आप उल्लेख कीजिए तो हम दर्शकों जानना चाहेंगे कितने वर्ष से पुराना पुरातन मंदिर है ये। आज से 350-400 वर्ष पहले एक महात्मा आए थे, रथ में एक भगवान को विराजमान करके एक बगीचे में रुके थे और झोपड़ी बना के रहते थे जी। क्या उनका नाम था महाराज का सुनेरदास जी महाराज जी। कुछ भक्त लोग थे, काछ्या पटेल या अन्य लोग उनकी सेवा करते रहते थे बाजार में वस्तु सामग्री। महाराज जब डेवलप होने को हुए उनसे कहे भक्तों से महात्मा रखना, जगन्नाथ जी इनकी सेवा पूजा करना। उसके बाद में एक भक्त ने मंदिर का कुछ ये मकान दिया, महाराज मंदिर बनाओ जिसमें भगवान को विराजमान करो। तो अभी कम से कम नहीं, ये सुनेरदास जी महाराज, गिरधारी दास जी महाराज, बलरामदास जी महाराज, बलरामदास जी के बाद में महावीर दास जी महाराज, रामदास जी महाराज, फिर हमसे पूर्व श्यामदास जी महाराज गुरु, राधामोहन दास जी महाराज और हम श्यामदास जी गुरु सत्यदास जी, ये 6वीं-7वीं पीढ़ी चल रही है और यहाँ भगवान ही सब कुछ चलाते करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौशिक जी और हिमांशी जी यहाँ पे उपस्थित है। 20 तारीख को जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा वलसाड़ से यहाँ पे प्रस्थान करने वाली है, आइए पूछते हैं कि महा आयोजन को लेकर वो क्या सोच रखते हैं और किस प्रकार का आयोजन इस वर्ष होने वाला है, जानकारी लेते हैं हिमांशी जी से पहले ही। आज जगन्नाथ मंदिर जे भारत भर में प्रसिद्ध मंदिर है, महाराज श्यामदास जी महंत
અધ્યક્ષમાં 27 રથયાત્રા નીકળી ચૂકી છે અને આ વર્ષે આગામી 20 જૂન 2023 રોજ 28મી રથયાત્રા નીકળનાર છે. આ વર્ષે અમે ભવ્યથી અતિભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. પુનેરી ઢોર અને દાંડી નૃત્ય જેવા સંગીત વાદ્ય સાથે અને ભગવાન જગન્નાથજીના સુશોભ્ય રથ સાથે અમે નગરયાત્રા ભગવાનજીની કરવા નીકળવા જઈ રહ્યા છીએ. ભગવાનજી જ્યારે નગરજનોની દર્શન આપવા અને એમની ખબર અંતર પૂછવા જઈ રહ્યા છે, તો દરેક ભાવિક ભક્તોને મારી નમ્ર અપીલ છે કે વધારેમાં વધારે સંખ્યામાં તમે રથયાત્રામાં જોડાઓ અને ભગવાનજીના આશીર્વાદ મેળવો. જો ભગવાનનો રથ તમે ખેંચશો તો ભગવાન તમારો રથ ખેંચી જશે એવી સૌને અપીલ છે. ધન્યવાદ. આઈએ અબ જાણકારી લેતે હૈ કે કૌશિકજી ઇસ ભવ્ય સમારોહ કે બારે મેં ઉનકી ક્યા સોચ ઓર વો હમારે ઇસ વલસાડ કે નાગરિક કો કિસ પ્રકાર સે વો અપને શબ્દો મેં અપીલ કરતે હૈ જાણતે હૈ ઉન્હીં કે શબ્દો મેં. કૌશિકભાઈ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું અમારા ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ ચેનલ પર. નમસ્કાર. જય જગન્નાથ. આ રથયાત્રા એક આપણો સનાતનની માટે એક માધ્યમ છે એકત્ર થવાનું હિન્દુ સનાતનને. તો અમે આ રીતનું આયોજન કર્યું કે વલસાડની અંદર જેટલા પણ હિન્દુ સંગઠન છે, જેટલા હિન્દુ ધર્મના આપણા હિન્દુ ધર્મના જેટલા વર્ગો છે, એ બધાને સાથે જોડીને આ રથયાત્રાનો સમાવેશ કરીએ, જેથી રથયાત્રા ભવ્યથી ભવ્ય દેખાય અને એનો સુંદર એક આયોજન અમે એક પ્રસ્તુત કરી શકીએ બધાની સમક્ષ. ખૂબ ખૂબ આભાર કૌશિકભાઈ તમારો. કહેતે હૈ ના કે જબ હમ ભગવાન કે રથ કો ખીચેંગે તો હમારી જિંદગી કે રથ કો ભગવાન ભી ખીચેગા ઓર હમે કહીં ભી અટકને નહીં દેગા. ઇસીલિયે રથ કો ખીચના એક બડા સમારોહ કી તરહ ઉસકો ઉસમે શામિલ હોના બેહદ આવશ્યક હૈ કે હમ સબ સનાતની હૈ ઇસલિયે જગન્નાથ જી કે રથ યાત્રા મે શામિલ હોના એક સૌભાગ્ય કી બાત હોતી હૈ. ઇસલિયે મેં અપીલ કરતી હું બલસાડ કે હર નાગરિક સે ઇસ રથ યાત્રા મે શામિલ હો ઓર રથ કો ખીચને કા સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરે ઓર જિંદગી કે રથ કો ભી અચ્છી તરહ સે ભગવાન આશીર્વાદ દેંગે તો હર વ્યક્તિ કી જિંદગી કા રથ ભી બહોત હી અચ્છી તરહ સે ખિંચાવા દિખાઈ દેગા ઓર કહીં પે ભી જીવન મે હમ લોગ અટકેંગે નહીં. ઇસી આશા કે સાથ ઇસી ઉમીદ કે સાથ ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ દેશ પ્રખર આવાજ સીમા ભટ્ટાચાર્ય વલસાડ કે જગન્નાથ મંદિર શિવપાલ સિંહ ધન્યવાદ. જિસ પ્રકાર સે હમારે ઇસ મહારાજ ને હમે કહા હૈ કે યે લગાતાર 6 થી 7 પેઢી સે લગાતાર યે મંદિર કી ઇસ પ્રકાર કી પૂજા યહાં પે હોતી, ઇસ ભગવાન કી પૂજા યહાં પે હોતી હૈ. તો એક પારંપરિક ઐતિહાસિક મંદિર હૈ. તો મેં હમારે જો દર્શક હૈ, હમારે જો વલસાડ કે નાગરિક હૈ, તો સભી સે મેં નિવેદન કરૂંગી કે ઇસ રથયાત્રા મેં ઇસ યાત્રા કો ભવ્ય યાત્રા બનાના હર વ્યક્તિ કા ફર્જ હૈ. કે હમ સનાતન ધર્મ કી તરફ આગે જા રહે, હમારા દેશ ભારત સનાતન રાષ્ટ્ર બનને જા રહા હૈ, હમારા દેશ વિશ્વગુરુ બનને કી ઓર આગે બઢ રહા હૈ. તો હમ સનાતની હર વ્યક્તિ કા યે ફર્જ બનતા હૈ કે ઇસ યાત્રા કો એક ભવ્ય સમારોહ કી તરહ આયોજન કરે ઓર ઇસ યોગ્ય હૈ કે હર વ્યક્તિ કો જોડે, હર વ્યક્તિ હર પરિવાર કે હર વ્યક્તિ કો ઇસ ભવ્ય રથ યાત્રા મેં જુડના અવશ્ય હૈ. ઉજ્જવલ ભારત હમેશા પ્રયાસ કરતા હૈ ઇસ પ્રકાર કે ધાર્મિક કાર્યક્રમો કો હર વ્યક્તિ તક પહોંચાય. ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ દેશ કી પ્રખર આવાજ સીમા ભટ્ટાચાર્ય જગન્નાથ મંદિર સે ધન્યવાદ.